नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भूजल संरक्षण के प्रचार में जुटा बिहार भूजल विकास मिशन। परीक्षा माफियाओं पर अब आय से अधिक का मामला भी होगा दर्ज। सातवें चरण में कई करोड़पति उम्मीदवार। कई राज्यों से 125 शराब तस्करों की हुई गिरफ्तारी। T20 वर्ल्ड कप के लिए USA रवाना हुआ भारतीय टीम का पहला जत्था। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भूजल संरक्षण के प्रचार में जुटा बिहार भूजल विकास मिशन। प्रदेश में ग्राउंड वाटर लेवल की निगरानी और उसे बेहतर बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने सहित अन्य काम की जिम्मेदारी बिहार भूजल मिशन को सौंपी गई है। दिशा में काम करने के लिए लघु जल संसाधन ने मिशन को 2024-25 के लिए फिलहाल करीब 7 लाख रुपए का आवंटन किया है। राज्य के कई हिस्सों में ग्राउंड वाटर लेवल की घटती स्तर को बेहतर बनाने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान सहित कई लेवल पर प्रयास किया जा रहा है। मिशन का काम राज्य में भू जल संरक्षण और इसका प्रचार प्रसार करना है। 4 दिन बाद छपरा में हुई इंटरनेट सेवा बहाल। बिहार के छपरा में हुई चुनावी हिंसा के 4 दिन के पश्चात इंटरनेट सेवा आखिरकार शुरू कर दी गई है। वहीं इतने दिनों से इंटरनेट सेवा बंद होने पर स्थानीय लोग काफी आक्रोश में हैं और जिला प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि जिला प्रशासन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर देता है। बता दें कि छपरा हिंसा के बाद से ही छपरा में 21 मई से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, जो 25 मई की रात 8 बजे बहाल किया गया। नए बालू घाटों की बंदोबस्ती में देरी होने पर खनिज विकास अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। खान एवं भू तत्व विभाग ने दरभंगा और सारण जिले के खनिज विकास अधिकारियों पर कार्रवाई की है, क्योंकि 17 जिलों में नए बालू घाटों की बंदोबस्ती में देर और बंदोबस्त घाटों से खनन शुरू नहीं किए गए थे। इस कार्रवाई के तहत अगले आदेश तक दरभंगा के खनिज विकास अधिकारी का वेतन स्थगित कर दिया गया है। मई महीने तक सारण के खनिज विकास अधिकारी के वेतन पर रोक लगाई गई है। साथ ही सख्ती के साथ कहा गया है कि सभी खनिज विकास अधिकारी 1 सप्ताह के अंदर बंदोबस्त घाटों से बालू खनन शुरू करें। सातवें चरण में कई करोड़पति उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के अंतिम और सातवें फेज के तहत बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस बीच सातवें चरण के लिए ADR की रिपोर्ट सामने आई है। अंतिम चरण में करीब 22% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 19% उम्मीदवार पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं करीब 37% उम्मीदवार करोड़पति हैं। उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.5 करोड़ की है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सातवें चरण के सबसे अमीर उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद हैं, जबकि दूसरे स्थान पर बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार हैं, तो वहीं काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह सूची में तीसरे स्थान पर हैं। SIT ने चुनाव आयोग को सौंपी छपरा चुनावी हिंसा की रिपोर्ट। छपरा में चुनावी हिंसा के मामले की जांच के लिए गठित SIT ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है। बिहार निर्वाचन पदाधिकारी प्रमुख HR श्रीनिवास ने SIT की रिपोर्ट मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि अभी इसका अध्ययन किया जा रहा है। कमिश्नर और DIG की इस रिपोर्ट के बाद अब सीनियर ऑफिसर सहित अन्य ऑफिसर पर भी गाज गिर सकती है। बता दें 20 मई को 5वें चरण के मतदान के दिन छपरा के सारण लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के जाने से एक पोलिंग बूथ पर विवाद हो गया था, जिसमें फायरिंग भी हुई थी और एक कार्यकर्ता की जान चली गई थी। बिहार के इन जिलों में आंधी तूफान को लेकर अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान आज रविवार की रात बांग्लादेश के तटीय इलाके से टकराएगा, जिसका प्रभाव राज्य के वातावरण पर भी पड़ने वाला है। सोमवार से प्रदेश के तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। तापमान की वजह से प्रदेश के कई भागों में तेज हवा के साथ ही वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। परीक्षा माफियाओं ने पेपर लीक के गोरख धंधे से करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रखे हैं। जो भी नीट पेपर लीक मामले में पकड़े गए हैं, उनमें से कई लोग अक्टूबर 2023 तक सिपाही बहाली और मार्च में हुई शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में भी शामिल थे, जिस वजह से दोनों परीक्षाएं रद्द हुई थी। इन परीक्षा माफियाओं के कारण न केवल बच्चे बल्कि प्रशासन सभी को परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। पेपर लीक करवाने वाले माफियाओं की DOU सूची भी तैयार कर रही है, फिर इनके चल अचल संपत्ति का मिलान होगा। उसके बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने के इनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। समस्तीपुर में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पुल अब होगी ध्वस्त। अंग्रेजों के जमाने की पुल जो समस्तीपुर से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी पर बनी है, उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है।
17 अप्रैल वर्ष 1874 को समस्तीपुर से दरभंगा के बीच इसी पुल के सहारे अंग्रेजों ने पहली बार ट्रेन चलाई थी। रेलवे द्वारा इसे कंडम घोषित किया गया है और पुल के स्क्रैप की नीलामी की जा रही है। समस्तीपुर रेलवे मंडल के एक अधिकारी ने बताया कि अंग्रेजों के जमाने में बनी यह पुल राहत सामग्री ढोने का काम करती थी। इसके बाद छोटी लाइन को ही नादो लाइन में बदल दिया गया। अब इस पुल की जगह दो नया पुल बनकर तैयार हो गया है, जिससे अप एंड डाउन सेवा ली जा रही है। दोनों नए पुल पर अब ट्रेनों का परिचालन भी किया जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने में बनी यह पुल से बाढ़ के दौरान नदी का पानी इससे कई बार सट जाता था, जिस वजह से ट्रेन सेवा समस्तीपुर और दरभंगा के बीच बंद कर दी जाती थी, लेकिन नए पुल से ट्रेन परिचालन अब आसानी से हो रहा है। कड़ी सुरक्षा में सम्पन्न हुआ राज्य में छठे चरण का मतदान। छठे चरण के लोकसभा चुनाव में शनिवार को बिहार के 8 सीटों पर मतदान 82,000 से अधिक सुरक्षा बलों की निगरानी में संपन्न हुआ। इसमें 61,800 केंद्रीय और बिहार पुलिस के साथ 20,800 गृहरक्षक बलों की तैनाती की गई थी। मतदान के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा कुल 107 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मतदान तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 65 मामले दर्ज किए गए हैं। कई राज्यों से 125 शराब तस्करों की हुई गिरफ्तारी, फिर भी बाज नहीं आ रहे तस्कर। बिहार में लगातार शराब तस्करों पर लगातार कार्रवाई करने के बाद भी तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। पटना के उत्पाद विभाग की टीम ने अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक 75,354 लीटर विदेशी शराब जब्त किए हैं, जिसके अनुमानित कीमत 75,35,40,000 आकी गई है। इसमें सबसे ज्यादा शराब की तस्करी पंजाब और हरियाणा से हुई थी। यहां से करीब 70% शराब की तस्करी के मामले सामने आए हैं। वहीं यूपी, बंगाल और झारखंड से करीब 30% मामले पकड़ में आए थे। शराब तस्कर बिहार में कैमूर, बक्सर, नवादा, गया, गोपालगंज, पूर्णिया, छपरा जिले की सीमा से बिहार में शराब लेकर आते थे। शराब तस्करी मामले में पकड़े गए चालक, खलासी आदि से पूछताछ में इन राज्यों का पता चला। उसके बाद इन सभी राज्यों में उत्पाद विभाग और मद्य निषेध इकाई की टीम ने छापेमारी की और 125 तस्करों को गिरफ्तार किया। सारण हिंसा मामले में एसपी पर गिरी गाज, सरकार द्वारा हुआ तबादला। सारण में हुए चुनावी हिंसा मामले में सारण के एसपी डॉक्टर गौरव मंगला का तबादला कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष को सारण का नया एसपी बनाया गया है। गृह विभाग द्वारा तबादले की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार ने एसपी गौरव मंगला को पुलिस मुख्यालय भेज दिया है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इस मामले में यह पहली बड़ी कार्रवाई है। सातवें चरण में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। बिहार में सातवें चरण के चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन जोरों शोरों से प्रचार में जुटा हुआ है। आज रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए प्रत्याशियों के लिए 4 चुनावी जनसभा कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में 2 चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के काराकाट, आरा और नालंदा में चुनावी जनसभा कर रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी आज बक्सर, अरवल, रोहतास, नालंदा और पटना में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा ओपन लेटर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार पीएम मोदी पर हमलावर रहते हैं। इसी कड़ी में अब तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को ओपन लेटर के जरिए पीएम से आरक्षण के मुद्दे पर जवाब मांगा है। तेजस्वी ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री जी जरा समय निकाल कर जातिगत जनगणना, आरक्षण, मंडल कमीशन और संविधान पर अवश्य ही अपना ज्ञान वर्धन कर लीजिएगा। जातीय गणना पर राज्यसभा सांसद का बड़ा खुलासा। जातीय गणना पर चल रहे विवाद के बीच जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि जातीय गणना उनके 17 महीने के कार्यकाल में उनकी बदौलत पूरा हुआ, जबकि जदयू का कहना है कि नीतीश की वजह से जातीय गणना हुई। तो वहीं अब संजय झा ने भी विपक्ष पर वार करते हुए कहा है कि बिहार में जातीय गणना नीतीश ने कराया। उन्होंने आगे कहा कि जब इंडिया गठबंधन की मुंबई में मीटिंग के दौरान नीतीश ने पूरे देश में जातीय गणना का रखा था, तब कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने उसका विरोध किया था। अब नीतीश के काम को हड़पना चाहते हैं। टी20 वर्ल्ड कप के लिए यूएसए रवाना हुआ भारतीय टीम का पहला जत्था। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज 2 जून से होने जा रहा है, जो अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में खेला जाएगा, जिसके लिए कप्तान रोहित शर्मा सहित भारतीय क्रिकेट टीम का पहला जत्था शनिवार को अमेरिका के लिए रवाना हो गया। रोहित के अलावा कोचिंग स्टाफ भी अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है, जबकि विराट कोहली सहित कई अन्य खिलाड़ी दूसरे जत्थे के साथ रवाना होंगे।
पहले जत्थे में रोहित शर्मा के अलावा कोच राहुल द्रविड़, बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर, भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल शामिल हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, गोनर शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, राकेश मिश्रा, मोहम्मद शफीक, अमित कुमार, नवल किशोर झा, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपकी तरफ सरकारी अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।